क्या पेपर कैसा आया था? जी मेरा नाम राजन है, पेपर अच्छा आया था वैसे, और लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग कम होता है, बस यही है कि और 100 क्वेश्चन होते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन इंग्लिश के थे और रीजनिंग के थे और जीएस के थे और मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, टॉपिक कौन कौन से? मैथ में ज्योमेट्री मोस्टली था, ज्योमेट्री के आया था और कुछ परसेंटेज के थे और टेक्नोमेट्री के थे, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। जीके में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? जीके में आए थे मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड आए थे और कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड आए थे, ये मोस्टली क्वेश्चन थे। इंग्लिश में कहाँ कहाँ से आए थे? इंग्लिश में मतलब मोस्टली आना जंबल वर्ड आए थे, ग्रामेटिकली एरर्स ज़्यादा आए थे और जंबल वर्ड आए थे, ये सब मोस्टली ज़्यादा। इंग्लिश के पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग अच्छी थी, रीजनिंग में मतलब ये था कि मतलब जो 4 नंबर होते हैं मतलब इसके बाद ये कौन सा आएगा, ये वर्ड कौन सा आएगा, वो वर्ड ज़्यादा आए थे, मतलब कोई संख्या दी थी, सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है, इस तरह के आए थे। तो ओवरऑल पेपर का लेवल क्या, कठिन था, सरल था, डिफिकल्ट था, इजी था? लेवल मीडियम था। तो कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी? थोड़ी बढ़ेगी क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है। व्हाट्स योर नेम? राहुल। पेपर कैसा आया था? पेपर बहुत ईजी आया था। हाँ मैंने 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उसमें से लगता है कि 60 सही जाएगा। मैथ्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ्स में टिग्नोमेट्री आई थी, मतलब 10th के बेस पे था सारा पेपर, मतलब फर्स्ट जैसे आज पहला एग्जाम था तो पेपर आसान था बहुत। अच्छा, इंग्लिश में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ये ग्रामर्स आए थे ज़्यादा। क्वेश्चन जीके में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे? जीके में करंट अफेयर्स तो आई नहीं बिल्कुल भी, ये साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे उसमें थोड़ी बहुत। और रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग बहुत आसान थी। आसान थी तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा जहाँ तक। अच्छा, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? अमन। हाउ वाज द पेपर? सर बढ़िया था, एवरेज था। एवरेज था, मतलब जो जीके का पोर्शन है ना वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आएगा कुछ भी, मतलब बहुत ही मुश्किल है कि अटेम्प्ट कर पाए सारे। मैथ्स ईजी थी वो कर सकते हैं और बाकी सब एवरेज। इंग्लिश कैसी आई थी? इंग्लिश भी मॉडरेट थी सर। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश के वही जो आते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स 4-5 क्वेश्चन आए थे और पी क्यू आर एस वाले आए थे 2 क्वेश्चन और नॉर्मल थी बस। और रीजनिंग में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे? रीजनिंग में सर थोड़ी थी कैलकुलेशन थी, टाइम कंज्यूमिंग थी। हाँ, मैथ्स के कोई स्पेसिफिक टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा। एवरेज के 3 क्वेश्चन आए थे। एवरेज के 3 क्वेश्चन आए थे? रेशियो प्रोपोर्शन के? रेशियो प्रोपोर्शन का 1 क्वेश्चन आया था, वो डीआई में से आया था और बस ये। व्हाट्स योर नेम? उमेश। जी उमेश। उमेश, उमेश, पेपर कैसा आया था? पेपर तो ठीक था, बस थोड़ी सी जीके थोड़ी टफ थी। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे जीके में? जीके में करंट अफेयर ज़्यादा आए थे। करंट अफेयर कोई टॉपिक बता पाएंगे स्पेसिफिक टॉपिक? टॉपिक तो ज़्यादातर फेस्टिवल्स और जो नृत्य होते हैं सब ये ज़्यादा आए थे और बाकी हिस्ट्री भी ज़्यादा कुछ आई नहीं थी। और मैथ्स में कहाँ कहाँ से आया था क्वेश्चन? मैथ में तो वही थे ज़्यादातर, क्या सिंपल ही थे सीरीज ये सब और जो भी आया। रीजनिंग? रीजनिंग में सिलोजिस में ये सब आए थे और मतलब आसान दिया था, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं थी। और इंग्लिश में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में वोकैब्स ज़्यादा आए थे और पैसेज तो आया ही नहीं था एक भी। ओवरऑल पेपर में डिफिकल्टी लेवल क्या था? डिफिकल्टी मेरे हिसाब से जीके और इंग्लिश टफ थी, बाकी दोनों सब्जेक्ट आसान थे। तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है घट सकता है? कट ऑफ, कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा? कट ऑफ तो मैंने बता नहीं सकता मैं। हाँ जी, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम अमर है। तो पेपर कैसा आया था? पेपर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ईजी लगा और जो मेन चीज़ इसमें ये था तो इंग्लिश के पोर्शन में ना सिनोनिम ज़्यादा पूछा था और जो इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड आता है ना, रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड, तो उसमें ये था कि उसके वर्ड थोड़े डिफिकल्ट थे। मैथ्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ्स के क्वेश्चन जो थे ना बहुत ईजी था, नॉर्मली था, पिछले साल से तो बहुत काफ़ी ज़्यादा ईजी लगभग था। स्पेसिफिक टॉपिक या रेशियो प्रोपोर्शन एवरेज कहाँ कहाँ से आए थे? इसमें आए थे एक वर्किंग टाइम का दिया था, सिंप्लीफिकेशन दिया था और भी मतलब नॉर्मली अर्थमेटिक ज़्यादा था, इसमें ज्योमेट्री वगैरह क्वेश्चन थोड़े कम थे। और रीजनिंग में कहाँ कहाँ से आए थे क्वेश्चन? रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन उसके थे, जो प्लस माइनस गुणा करके ऐसे दिया रहता ना, वो सारे क्वेश्चन थे। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ेगा घटेगा? कट ऑफ तो इसकी मेरे ख्याल से हाई जानी चाहिए क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा ईजी था, है ना, तो बढ़ने के चांसेस ज़्यादा। या क्या नाम है आपका? यश। पेपर कैसा आया था? सर नॉर्मल था, एवरेज। मैथ्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? सर मैथ्स में सारे थे, वैसे साइंस में थे,
साइन के थे, कॉस के थे, ऐसे सारे थे। और इंग्लिश में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश में थे, सिनोनिम्स थे, एंटोनिम्स थे, ये सारे सब चीज़। और रीजनिंग में कहाँ कहाँ से आए थे? रीजनिंग में सर ऐसे डी आई वगैरह से। और डी आई कैसी आई थी? डी आई सर थी। जीके जीके कोई क्वेश्चन बता पाएंगे? जीके के सर नॉर्मली थे, थोड़े अलग अलग बाहर से थे। मैं कट ऑफ तो बढ़ेगी घटेगी? हाँ जी, कट ऑफ का क्या अनुमान है? कट ऑफ का सर कुछ नहीं बढ़ेगा। व्हाट्स योर नेम? अमित कुमार। पेपर में कैसा आया था, कहाँ कहाँ से? पेपर अच्छा आया था, इजी था थोड़ा। मैथ्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ्स में आए थे ज़्यादातर एवरेज से आए थे। और कहाँ से आए थे? और आपके थोड़ा एक तो क्वेश्चन आए थे CISI से, एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। एलजेब्रा में इतने कम आए थे, और मतलब ज़्यादातर ना एवरेज से आए थे कि अगर आप एक स्टूडेंट है कि कितने दोनों के मिला के लड़का लड़की मिला के इतने स्कोर एवरेज आता है, तो दोनों का मिला के कितना बनेगा, दोनों का अलग अलग बताया था, फिर उसमें एक का कितना बनेगा। और जीके में कहाँ कहाँ से आया था क्वेश्चन? जीके में आया तो करंट से आए थे। हिस्ट्री ज्योग्राफी से नहीं आया था? हिस्ट्री ज्योग्राफी वो तो थोड़े बहुत थे, लेकिन जो करंट से आता है। इंग्लिश कैसी आई थी? इंग्लिश मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट बोल सकते हैं, ना ज़्यादा इजी थी ना ज़्यादा लेंथी। और रीजनिंग तो इजी थी, इतना कुछ ज़्यादा नहीं। तो ओवरऑल कट ऑफ बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, घटने का तो कोई चांस ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश प्रसाद। तो पेपर कैसा आया था? पेपर सही था, पर इंग्लिश का इजी था, लेकिन मैथ का थोड़ा टफ था मुझे जो लगा, और बाकी हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा गया था। मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? मैथ में ज़्यादातर संख्या वाले थे ज़्यादातर, और मिनर वाले। इंग्लिश में इजी थे, और सेंटेंस टेंस के ऊपर आते क्वेश्चन ज़्यादातर। और रीजनिंग कैसी आई थी? रीजनिंग तो ठीक थी, वैले सेम टू सेम ऐसी थी जैसे आती थी। और जीके में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे? जीके में ज़्यादातर हिस्ट्री से आए थे। तो पेपर आसान था, कठिन था? आसान था या मॉडरेट था? मैथ का थोड़ा सेक्शन टफ लगा मुझे। अच्छा, या व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज विशाखा, और अभी मैंने CHSL एग्जाम टीयर 1 दिया है। पेपर इजी आया था, मॉडरेट लेवल था, बस मैथ्स का पोर्शन जो था वो थोड़ा कैलकुलेटिंग था, वो टाइम कंज्यूमिंग था जैसे बच्चों को लगता ही है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे मैथ्स में? मैथ्स में जैसे नॉर्मल जो हमारा सिलेबस होता है उसमें से ही आए थे, ज़्यादा आउट ऑफ नहीं आया था। अगर बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी है, टाइम वो अच्छे से कर पा रहा है, तो वो कर लेगा। जीके में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे? जीके में वही करंट अफेयर मोस्टली करंट अफेयर। और स्टैटिक जीके से? स्टैटिक जीके से जैसे कि डांस वगैरह, कि ये डांस कौन से बिलोंग करता है, किसी स्पेसिफिक सिंगर का नेम या फिर डांसर का नाम दे देंगे तो वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता था, ये सब। इंग्लिश कहाँ से आई थी? इंग्लिश कैसे आए थे? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, आइडम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम, ये सब कुछ बस। और रीजनिंग? रीजनिंग का तो वो सबसे ज्यादा आया था मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल पेपर का सरल था? मॉडरेट लेवल। मॉडरेट था। हाँ जी। तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं, घटने के? बढ़ने के चांसेस।